हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 7 की म्यूज़िक के अप्रैल का सिलेबस मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। स्वर किसे कहते हैं? 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। इन स्वरों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: खरज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इसे हम सरलता के लिए आसान भाषा में सा, रे, ग, म, प, ध, नी कहते हैं या कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो मैंने आपको बताया है 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं, मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। यहाँ मैंने 7 स्वर बताए हैं, बाकी के 5 मैं आपको नीचे डाउट क्लियर कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं स्वर के प्रकार बताऊँगा आप लोगों को। स्वर के 2 प्रकार माने जाते हैं। पहला, शुद्ध स्वर। जो स्वर अपने निश्चित स्थान पे रहते हैं उसे शुद्ध स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जो अपने ही स्थान पे रहते हैं, वो नहीं आगे जाते नहीं पीछे जाते हैं, उन्हें हम शुद्ध स्वर कहते हैं। जैसे सा रे ग म प ध नि, ये 7 हुए, शुद्ध स्वर की संख्या 7 होती है। अब आइए विकृत स्वर, यहाँ पे आपका डॉट क्लियर हो जाएगा। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा चढ़ या उतर जाते हैं उसे विकृत स्वर कहते हैं। विकृत स्वर कुछ इस प्रकार हैं: रे, ग, ध, नी और तीव्र म। यहाँ पे ये जो 5 है, यही इनके रूप हैं, यही 5 को और ये 7 को मिला के 12 श्रुतियाँ होती है, और वही 12 श्रुतियाँ, मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर की संज्ञा दी गई है। ये रे जो है वो शुद्ध रे का रूप है, कोमल रूप है। ये कोमल ग जो है ये शुद्ध ग का रूप है। कोमल धैवत जो है वो शुद्ध ध का रूप है, और कोमल नी निषाद शुद्ध नी का रूप है। तीव्र म मध्यम का रूप है। थैंक यू। चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए। थैंक यू।